नौफल खान है और मैं कच्ची गोलियां कॉमिक्स का को फाउंडर हूँ. कच्ची गोलियां कॉमिक्स हमने 2011 में शुरू की थी, मैं और मेरा पार्टनर रामेश सफा. उस वक्त हम CBM में BBA कर रहे थे और प्रॉब्ली वी वर इन आवर फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर. और हम अच्छे CBM से अच्छा खासा दूर रहते थे और हम डेली एक ही गाड़ी में मोटर पूल करके कम्यूट करते थे. तो बेसिकली कच्ची गोलियों का आइडिया यहाँ से आया है कि हम देखते थे आउटसाइड विंडो कि क्या हो रहा है स्ट्रीट्स पे, रोडों पे क्या हो रहा है, और उसकी एक बहुत फनी वे में सोशल कमेंट्री हम जाके कॉमिक्स बना देते थे. कच्ची गोलियां का तारुफ ये है कि कच्ची गोलियां जो है वो पाकिस्तान की पहली प्रॉपर कॉमिक बुक कंपनी है. और हमने ये कंपनी शुरू की थी कोई 150 रुपये से, और टोटल इनिशियल कैपिटल हमारा 150 रुपये था. और अच्छी खासी 3-4 साल के बाद आज कच्ची गोलियां जो है इट्स एक्चुअली फेमस वर्ल्ड ओवर. हमें कवर किया है पाकिस्तान के सारे मेजर मीडिया आउटलेट्स ने, हमें हमारे बारे में बात की गई है हफिंगटन पोस्ट में, BBC ने हमें कवर किया है, एंड अ फ्यू अदर न्यूज़ आउटलेट्स. अब कच्ची गोलियों का ये हिसाब किताब है कि कच्ची गोलियां प्राइमरीली तो कॉमिक्स बनाती है डिजिटल. वी स्टार्टेड ऑफ विद मेकिंग डिजिटल कॉमिक्स. एक हमारा पेज होता था फेसबुक पे, वहीं पे हम कॉमिक्स पब्लिश करते थे. फिर हम कॉमिक्स हार्ड कॉपी पब्लिकेशन में भी आ गए. हमने एक मार्केट रिसर्च की जहाँ पे हमने वी फिगर्ड आउट कि नोबडी इज गोइंग टू पे फॉर द कॉमिक बुक इन पाकिस्तान. तो वी केम अप विद एन ऑल्टरनेट बिजनेस मॉडल. पर से व्हाट वी डिड वाज वी मेड द कॉमिक बुक फ्री टू द एंड रीडर एंड वी कवर्ड द कॉस्ट बाय एडवर्टाइजमेंट्स एंड ऑल. दिस इज वन ऑफ आवर कॉमिक बुक्स. It was actually the second issue of Kachee Goliyan comics. ये comic जो थी हमने पाकिस्तान में कोई 10,000 copies जो हैं मुफ्त में बांटी होंगी from Karachi to Khyber KBK. और देख सकते हैं आप इस तरह comic books हैं. और ये हम ads वगैरह gather करते थे और उसकी वजह से हमारे पब्लिकेशन होती हैं. खैर नंदलेस कच्ची गोलियों का सिलसिला ये है कि कच्ची गोलियां एक कॉमिक्स बनाती है, कॉमिक बुक्स बनाती है हार्ड कॉपी, फिर डिजिटल कॉमिक्स बनाते हैं, और फिर हम कंटेंट जनरेशन करते हैं. जितनी भी बड़ी ब्रांड्स हो गई कैडबरी से लेके रेड बुल टेरेनॉर ये वो, तो दीज गाइस कम अप टू अस एंड दे आर लाइक कि भाई वी नीड कॉन्टेंट. You may know कि it's a content-driven world. Content is the king now. And these guys come up to us and they're like, yeah, we need this content on this these lines, and we develop content for them. And you know, they pay us for that. That's our actual revenue model. In my family, mein 3-4 generations tak koi business में कोई नहीं, बिजनेस मैन कोई नहीं निकला. एवरी वन वॉज एम्प्लॉयड एंड बट मुझे यहाँ से ये बिजनेस का चस्का यहाँ से आया कि हम लोग बहुत अर्ली एज से ही काम कर रहे हैं साथ. कच्ची गोलियों से पहले हमारा एक और प्रोजेक्ट था पप्पू के नाम से. पप्पू बेसिकली एक सोशल एंटरप्राइज थी और पप्पू एक कॉमिक रिप्रेजेंटेशन था हर उस बच्चे का जिसको तालीम नहीं मिलती. तो हम बेसिकली पप्पू रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेचते थे और गरीब बच्चों को हम तालीम देते थे. वी यूज टू पुट देम इन स्कूल्स. जहाँ तक रोल मॉडल्स का ताल्लुक है तो कोई इंडिविजुअल रोल मॉडल्स तो नहीं है, लेकिन मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ डिफरेंट नेशंस के वर्किंग स्टाइल्स से. जैसे एक जर्मन वर्क स्टाइल जो है वो मुझे बड़ा इंस्पायर करता है कि आप अपने वर्किंग आवर्स जो है वो श्रिंक कर दें लेकिन डेडिकेटेडली उस पर काम करें. जब आप अगर लेट्स से 9 घंटे की जगह 5 घंटे या 6 घंटे काम करें लेकिन दिल लगा के काम करें. इस अभी स्वीडन ने भी ये एक लॉ पास कर दिया है कि मिनिमम 6 वर्किंग आवर्स उसने कर दिए मैक्सिमम इम्पैक्ट. इस तरह और
इन्वायरमेंट्स हैं, वर्किंग इन्वायरमेंट्स हैं कंपनीज के. जैसे गूगल का एक वर्किंग इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा लगता है मुझे. मैं हम लोग अपनी छोटी सी कैपेसिटी में ही कोशिश करते हैं कि ऐसा वर्क इन्वायरमेंट लोगों को दें जहाँ पे क्रिएटिविटी ब्लूम करे, जहाँ पे टाइमिंग्स की कोई रोक टोक ना हो, फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हों, और ज़्यादा फोकस जो है वो ऑब्जेक्टिव्स और डिलीवरेबल्स और गोल्स पर हो, इंस्टेड के भाई आपको टाई पहन के आनी है या आपको चमकते हुए जूते पहन के आने हैं. एज फार एज यू आर डूइंग द वर्क एंड यू आर डूइंग द वर्क गुड, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद हाउ एवर यू गेट इट डन. तो एक ये एक रोल मॉडल तो नहीं, लेकिन एक इंस्पायरिंग वर्क एनवायरनमेंट है जो है पाकिस्तान में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं हम लोग. जहाँ तक मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड का सवाल है, तो मैं CBM से BBA कर रहा था और अभी कोई रिसेंटली मैंने ड्रॉप आउट किया है. और बस गोइंग टू अ गुड यूनिवर्सिटी का फ़ायदा पढ़ाई तो होती है, अच्छी पढ़ाई तो होती है, लेकिन एट द सेम टाइम आपके नेटवर्क भी बड़े स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, आपकी दोस्तियाँ इस्टेब्लिश हो जाती हैं. और CBM की एक पर्टिकुलरली एक ख़ास बात है कि by the end of your 4-year academic term you know a lot of people and you have fostered and garnered a lot of friendships jo ki aage ja ke aapko bade kaam aate hain. Maine entrepreneurship isliye choose kiya kyunki ek to ye ki bachpan se bada entrepreneur the. Ab surface honi shuru hui hai term, pehle to aapko ye hota tha ki apna business karna hai aapko. To मैं छठी या सातवीं जमात में था जब मैंने सोचा था कि मैं एक इस तरह की कोई कंपनीज खोलूंगा और एडवर्टाइजिंग्स बनाएंगे हम लोगों के लिए, एडवर्टाइजमेंट्स बनाएंगे और यू नो ऑल दैट. तो एंटरप्रेन्योरशिप एक तो ये कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी दे देती है. यू गेट टू चूज़ योर ओन वर्क टाइमिंग्स एंड यू गेट टू चूज़ योर ओन द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स यू पुट इन योर वेंचर इज डायरेक्टली equatable to the revenues that you'll be getting out. तो एक बहुत fast paced, एक बहुत real time आपको feedback मिल जाता है कि हाँ मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं. नौकरी का जहाँ तक सवाल होता है, तो नौकरी का मुझे लगता है कंपनीज यहाँ पर बड़ी फॉल्स नोशन है कि भाई आपको वही टाइप लगा के आनी है एंड यू हैव टू वेयर ड्रेस पैंट्स एंड ऑल दैट. मुझे नहीं लगता कि why companies do that, because ऑफकोर्स अगर आप टाई लगा के आ जाएंगे तो उसका आपकी एफिशिएंसी पे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेट्स से कि अगर एक बंदा टाई लगा के नहीं आता और एक बंदा लगा के आता है तो वो उतना ही काम करेंगे जितना उनको करना है. ऐसा नहीं होगा कि जो टाई लगा के आ रहा है वो ज़्यादा काम करेगा. तो एक एक ये स्टेटस को तोड़ना था, नॉर्म तोड़ना था और नया कंसेप्ट लाना था मार्केट में कि हाँ इस तरह की भी एम्प्लॉयमेंट आप दे सकते हैं लोगों को. In our whole career, Kachee Goliyan must have employed around more than 15 people in total, जिसमें लम्स के भी graduates थे, जिनमें NCA की एक बहुत बड़ी तादाद है graduates की, Indus Valley के बहुत बच्चे उठाते हैं हम, उसके बाद CBM एक अच्छा खासा you know, a lot of CBM people have worked for us. तो at the end of the day they go on when they are leaving us, they tell us ki ha bhai itna acha work environment hame kahin aur nahi milega, and that is what we take pride in ki bhai we give you a better work environment, you know, where your creativity flows. To isliye mere liye is cheez ko lekar to entrepreneurship bahut important hai ki main constantly on a very personal level chahta hu ki main kuch na kuch Pakistan mein change karta aa raha hu on a very grassroots level. Ke agar कंटेंट जैसे लेट्स से पाकिस्तान जब हमने कॉमिक बुक शुरू की थी तो लोगों को कॉमिक्स नहीं पता होती थी, जनरली मैसेस को नहीं पता होते कि कॉमिक बुक्स क्या होती हैं, कॉमिक्स पढ़ते किस तरह हैं. और लोगों को लगता है कि अगर अच्छा कार्टून बना हुआ है तो अगर ये आपको हंसा के लोटपोट नहीं कर रहा तो इसका मतलब अच्छा नहीं है. दुनिया भर में कॉमिक इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन और ज़रूरी नहीं है कि वो आपको हंसाए, वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स वाले इमोशंस भी कन्वे कर सकता है. बहुत ये सुपरमैन, बैटमैन
ये सारी उस जमाने की कॉमिक बुक्स हैं जब अमेरिका जो था वो वर्ल्ड वॉर टू में या वर्ल्ड वॉर वन में एक्टिव पार्टिसिपेंट था, वो बैक होम उसको लोग चाहिए, उसको कैरेक्टर्स चाहिए थे ब्रेवरी को सिग्निफाई करने के लिए. तो यू नो कॉमिक हैज़ लॉट ऑफ थिंग्स एंड वी वांटेड टू इनिशिएट इट इन पाकिस्तान. वी वांटेड टू डू समथिंग न्यू. दैट्स व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप इज़ टू मी. कच्ची गोलियों में मेरे अलावा मेरे साथ दो पार्टनर्स और होते थे, रामेश सफा और मती अंसारी. रामेश वॉज द गाय हु एक्चुअली मेड द कॉमिक्स, वो कॉमिक्स बनाता था. मैं जो हूँ वो बिजनेस एंड और मार्केटिंग और ब्रांड संभालता था. मती अंसारी जो हैं वो फर्दर अलॉन्ग द रोड हमारे साथ शामिल हुए थे अराउंड टू ईयर्स डाउन द रोड, और ही वॉज इन चार्ज ऑफ द बिजनेस डेवलपमेंट एक्चुअली. एंड कच्ची गोलियाँ हम जब शुरू किया था हमने, तो हमने कोई एक डेढ़ साल तक एक रुपया रेवेन्यू नहीं कमाया था. वी जस्ट इन्वेस्टेड ऑन द ब्रांड और हम फेसबुक पेज पे सिर्फ उसको हमारी प्रेजेंस खाली फेसबुक पेज तक थी, और हम रोज़ वहाँ पे कॉमिक्स पोस्ट करते थे. वी गॉट अराउंड 150,000 पीपल सपोर्टिंग अस ऑन फेसबुक एंड अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 1 million पीपल ऑन आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ऑल टुगेदर इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम के जी वो फेसबुक एंड ट्विटर. नाउ द थिंग इज़ के कच्ची गोलियाँ डेढ़ साल तक रेवेन्यू नहीं कमाती है, बस हम उस कॉमिक्स बना बना के लगा रहे हैं. तो हमारी फोरसाइट ये थी कि हमें पहले ब्रांड इस्टेब्लिश करनी थी और फिर हमें देखना था कि उस ब्रांड को हम किस तरह मोनेटाइज कर सकते हैं. पहला ब्रेक थ्रू आया जब हमने अपनी हार्ड कॉपी कॉमिक बुक्स निकाली. वी मेड अ डिसेंट प्रॉफिट ऑन दैट एंड दैट वाज व्हाट 1.5 ईयर्स आफ्टर वी हैड स्टार्टेड कच्ची गोलियाँ. उसके बाद हमने अब पाकिस्तान में रहते हुए एक ये बड़ा मसला था, एक बड़ा ऑब्स्टिकल ये था कि हमारे पास ई कॉमर्स नहीं था, हमारे पास वो कल्चर नहीं था जहाँ पे ब्रांडेड मर्चेंडाइज लोग खरीदते हैं. बाहर ये होता है कि अगर सुपरमैन की कोई फ्रेंचाइज है तो सुपरमैन रिलेटेड ब्रांडिंग ब्रांडेड मर्चेंडाइज बिकती है, टी शर्ट्स, लंच बॉक्सेस, यू नो, लोग वो खरीदते हैं तो डायरेक्टली कंपनी उससे रेवेन्यूज कमाती है. लेकिन पाकिस्तान में तो ये इम्पॉसिबल सी चीज़ थी, यहाँ पे लोग कॉमिक बुक्स नहीं खरीद रहे थे तो मर्चेंडाइज क्या खरीदेंगे. तो we had to come up with alternate ways of making the money. Kachee Goliyan comics comic book was one of the major ways of making money for us. Phir jo hum content generation karte hain MNCs ke liye wo ek bahut bada revenue model hai hamara. And then lastly kghub.com mein humne ek naya abhi venture shuru kiya hai. We are trying to compete with BuzzFeed, Cracked and the likes of College Humor, and we are trying to make our base in the subcontinent क्योंकि हमें लगता है कि subcontinent की population strength बहुत ज़्यादा है. बाकी as far as कच्ची गोलियों के future goals, तो हम थोड़ा content में ज़्यादा घुसना चाहेंगे क्योंकि content driven world है ये, और आपको हर बंदे को एक अच्छा और engaging content चाहिए जो कि उसकी marketing भी कर रहा हो. जाहिर है कच्ची गोलियों का बिजनेस प्लान, व्हाइल यू आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस प्लान लेट मी टेल यू अबाउट समथिंग इंटरेस्टिंग. कच्ची गोलियों का बिजनेस प्लान ये था कि जब कच्ची गोलियां इनिशिएट हुआ था तो उसके एक साल तक कच्ची गोलियों ने एक पैसा नहीं कमाया था. वी वर जस्ट वर्किंग, वी वर जस्ट प्रोड्यूसिंग कॉमिक्स पर डे, एक दिन के हिसाब से एक कॉमिक आती थी, वो हम अपने डिजिटल स्पेसेस पे लगाते थे. हमारी फोरसाइट ये थी कि हमें पहले ब्रांड बनानी थी और फिर हमें देखना था कि हम उसको मोनेटाइज किस तरह कर सकते हैं. तो एक डेढ़ साल हमने लग के ब्रांड बनाई, देन वी स्टार्टेड कमिंग आउट विद हार्ड कॉपी कॉमिक बुक्स. देयर इज दिस अनदर वेंचर दैट वी ट्राइड डूइंग, वी ट्राइड गेटिंग इनटू डिजिटल. kghub.com करके हमने एक वेबसाइट बनाई जो कि बेसिकली सब कॉन्टिनेंट में बस फीट और क्रैक्ट और कॉलेज ह्यूमर टाइप वेबसाइट्स का एक यू नो उस मॉडल पे काम करने वाली ये चीज़ थी.
कच्ची गोलियां जो है वो 3 दिन में बना था. रामेश केम अप विद द आइडिया. ही केम अप टू मी वाज लाइक के चलो शुरू करते हैं. बिकॉज हम लोग जो हैं वो बचपन से कॉमिक बुक्स पढ़ते हुए आ रहे थे और हमारा एक बड़ा मसला ये होता था कि हमें देसी कुछ कैरेक्टर्स नहीं मिल रहे होते थे. वी यूज टू रीड बैटमैन सुपरमैन स्पाइडरमैन एंड ऑल दैट. वेयरएज हम इंडिया को जब देखते थे तो इंडिया में उनके लोकल कैरेक्टर्स बहुत हैं. छोटा भीम एक उनका बड़ा एक मशहूर बच्चों में बड़ा मकबूल कैरेक्टर है. तो हमारी जस्तुजू ये थी कि हमें पाकिस्तान को कुछ कैरेक्टर्स देने थे जो कि हमने जेसी और सूफी जो कि कच्ची गोलियों के दो कैरेक्टर्स हैं मेन उनकी शक्ल में पाकिस्तान को दिया. फिर फर्दर अलॉन्ग द रोड हमने एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जो कि उमरो अयार एक फोक हीरो होता था हमारा मुस्लिम हेरिटेज का. अमीर हमजा और उमरो अयार की कहानियाँ होती थी और उमरो अयार वॉज अ गाय जिसके पास एक जंबील होती थी. वो कुछ भी हाथ डाल के निकाल लेता था उस जंबील से. तो हमने पहली मरतबा उस कैरेक्टर को या उस स्टोरी को विजुलाइज करके कॉमिक बुक फॉर्म्स में पेश किया और ये दुनिया की पहली उर्दू कॉमिक बुक थी. उसके बाद उमरो अयार में इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया कि वी स्टार्टेड गेटिंग रिक्वेस्ट फ्राम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑन फॉर रिसर्चिंग ऑन आवर प्रोजेक्ट ऑन हॉल. अभी भी उमरो अयार जो है वो अच्छे खासे व्हाट यू कॉल इट एकेडमिक पेपर्स का हिस्सा बन चुका है. पीपल लाइक टू यू नो टॉक अबाउट इट इन देयर एकेडमिक रिसर्च पेपर्स. तीसरा हमने एक और ये प्रोजेक्ट किया था कि हमने एक शीन से शाहिद प्रोजेक्ट किया था जहाँ पे हम करंगी सुल्तानाबाद और लियारी में 10,000 कॉमिक बुक्स हर 15 दिन में बच्चों को बांटते थे और उन कॉमिक बुक्स में एंटायर वॉयलेंट सेंटिमेंट्स होते थे. हम बच्चों को चाहते थे कि बच्चे ज़रा पीसफुल अप्रोच के साथ दुनिया में जाएं और क्योंकि ये 3 एरियाज बहुत हाईली वॉयलेंट एरियाज थे तो वी वॉन्टेड टू कर्व डाउन द वॉयलेंस इन दीज एरियाज बाय इंट्रोड्यूसिंग पॉजिटिव कॉन्टेंट और पॉजिटिव कॉमिक बुक्स इन टू द मार्केट. उससे भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया था. आई साइकोलॉजिस्ट डिड हर थीसिस ऑन दिस शीन से शायद और उसको ये पता चला. रिसर्च ने ये बताया कि हमारी कॉमिक्स पढ़ के बच्चे जो हैं हमारा ये मकसद होता था कि हम बच्चों को ये बताएं कि भाई ज़रूरी नहीं है कि तुम लड़ाई करो. हर प्रॉब्लम जो है वो दिमाग से अगर ठंडे दिमाग से सोचोगे तो उसका हल निकल आएगा. एंड द साइकोलॉजी द स्टडी कंक्लूडेड दैट टू कि बच्चे उस कॉमिक बुक से एक्सपोज होने के बाद इस तरह के बातें करने लगे थे जहाँ पे दे प्रेफर्ड डायलॉग ओवर वॉयलेंस. तो इट वॉज अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस. कच्ची गोलियां में हम लोगों ने हमारे बड़ों ने हमारी बड़ी मेहनत की. पीपल हु वर ऑलरेडी देयर इन द मार्केट एंड दे सॉर्ट ऑफ पेट्रोनाइज्ड कच्ची गोलियां. उसमें से सबसे बड़ा क्रेडिट वुड गो टू सबीन महमूद जो कि T2F चलाती थी. उन्होंने हमें हमारा पहला कच्ची गोलियों का जो एड था हम बड़े परेशान हो रहे थे कि भाई हमें एडवर्टाइजमेंट्स नहीं मिल रहे पहली कॉमिक बुक के लिए. तो पहला एड जो था वो सबीन महमूद ने हमें ईगो जो आदिल मूसा जी साहब हैं ईगो चलाते हैं द फैशन ब्रांड उनसे बात करके हमें ऐड दिलवाया था. तो ऑफ कोर्स दैट वाज अ बिग स्टेप फॉर अस. हमें ऐड मिल गया. वी वर एबल टू पब्लिश आवर कॉमिक बुक्स एंड ऑल दैट. इस तरह लोग मिल जाते हैं जो कि यू नो दे टर्न आउट टू बी वेरी हेल्पफुल टूवर्ड्स द कॉज. तो यस आवर एल्डर्स सपोर्टेड अस अ लॉट. Elders, when I say elders, I mean people elder than us who are already there in the market. चाहे वो हमारे CBM के seniors ही क्यों ना हों या चाहे वो market में already director level पे लोग बैठे हुए हों जो जिनको हमारा idea बहुत अच्छा लग गया था. तो आप जब इस तरह का कोई venture शुरू करते हैं तो help आपको मिल जाती है इधर उधर से. There are a lot of people out there who would support a good thing if you know it has some substantial depth. Lack of e-commerce was a big crisis. Agar
ई-कॉमर्स होता तो हम टी-शर्ट्स बेच सकते थे, हम मर्चेंडाइज बेच सकते थे, हम अपनी कॉमिक बुक्स ऑनलाइन बेच सकते थे, लेकिन क्योंकि हमारे पास मनी कलेक्शन का कोई टूल नहीं था उस ज़माने में, COD भी नया नया शुरू हुआ था और सबसे रिलायबल मनी कलेक्शन टूल जो था वो ईजी पैसा था टेलीनॉर का, विच इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ स्टेप्स कि बंदा जाता है दुकान पे, वो पैसे देता है, फिर पैसे आपके पास आते हैं, तो इट्स जस्ट टू मच हैसल, नोबडी वुड डू इट इम्पल्सिवली, और हमारा प्रोडक्ट तो है ही इम्पल्सिव कि आप कॉमिक को पसंद आई, आपने ली, आपने पढ़ी और दाश है. तो कच्ची गोलियां हैड टू फेस दीज इशूज के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर डिजिटल नहीं था, यहाँ पे वेबसाइट्स कोई नहीं पढ़, वेबसाइट्स को कोई नहीं जाता था उस ज़माने में. जब हमने प्रिंट में आना शुरू किया तो लोगों ने कहा कि यार दुनिया डिजिटल की तरफ जा रही है, प्रिंट जो है वो ऑब्सोलीट हो गया है, तो तुम प्रिंट में क्यों जा रहे हो. दैट्स व्हेन वी टोल्ड देम कि भाई पाकिस्तान, हमें लगता है, माय पर्सनल ओपिनियन है कि पाकिस्तान इज 30 years बिहाइंड द होल मेनस्ट्रीम वर्ल्ड. तो 30 साल पहले जो अमरीका में कोई आइडिया इम्प्लीमेंट हुआ होगा, अगर आज वो आप पाकिस्तान में करेंगे तो वो बेहतरीन चलेगा. फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव, हम लोगों की लक अच्छी थी कि हमारी तीनों की फैमिलीज बड़ी सपोर्टिव थी. देर लाइक के देख कर लो अगर तुम्हें अच्छा लगता है, यू नो फॉलो योर ड्रीम्स. उनको भी नहीं पता होगा इतना कि इट वुड टर्न आउट टू बी सच अ बिग थिंग, क्योंकि फॉर देम इट स्टार्टेड आउट लाइक अ स्कूल प्रोजेक्ट फॉर अस. बट अलॉन्ग द लाइन जब उन्होंने देखा कि हाँ बच्चे ग्रो हो रहे हैं, BBC पे आने लगे, तो ऑफकोर्स फिर फैमिलीज भी होती कहती हैं कि ही मस्ट नो व्हाट ही इज डूइंग. तो फैमिली सपोर्ट बड़ा इम्पोर्टेंट होता है जब आप एंटरप्रेन्योरशिप करने जा रहे होते हैं. कच्ची गोलियों ने हमें एक बड़ा प्यारा स्किल दे दिया है. आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपकी नफ्स पे हाथ रखता है और आपको बता देता है कि क्या बीमारी है. तो इस तरह हम डिजिटल को, डिजिटल से मुराद मेरा सोशल मीडिया जितना भी है, सोशल मीडिया के डायनेमिक, सोशल मीडिया वे इट वर्क, हम बड़ी अच्छी तरीके से समझ गए, क्योंकि हम अपना काम कर रहे थे, हमारे पास कैपिटल बिल्कुल होता नहीं था एडवर्टाइजिंग स्पेंड के लिए या मार्केटिंग स्पेंड के लिए, तो हमें गोरिल्ला टैक्टिक्स यूज़ करनी पड़ती थी. कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा ROI चाहिए होता था हमें. इस सिलसिले में हमने एक ज़माने में एक चिंची भी कच्ची गोलियां की ब्रांड कर दी थी और हम पूरे कराची में फिरे थे कॉमिक बुक्स देते हुए. 14th February 2013. माय पर्सनल चाइल्डहुड ड्रीम वाज टू ऑलवेज ओपन एन एड एजेंसी. तो जो चीज़ें मैं कच्ची गोलियों के साथ नहीं कर पा रहा था वो मैं फिर अपनी एड एजेंसी के साथ करता हूँ. कॉन्टेंट पर बहुत कमांड आ गई है कि भाई कौन सा कंटेंट जो है कितना रिस्पॉन्सिव होगा पब्लिक के साथ, मैं क्या चीज़ आउट देयर थ्रो करूँगा जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिस्पॉन्स करेंगे. एक बिजनेस रन करने की एक सेंस आ गई. मैं अब मैंने जो कच्ची गोलियों से सीखा वो मैंने अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में लगाया. आज मेरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द वेरी फ्यू बुटीक एडवर्टाइजिंग एजेंसीज इन पाकिस्तान. Our business model is that we are very selective about our clients, and of course since we are very selective about, हम बजाय इसके कि 20 clients लें, हम कहते हैं कि भाई हमारे पास 4 clients काफ़ी हैं, और इस तरह हम उन पर focus कर सकते हैं, उनकी quality पे, whatever we produce for them quality पे focus कर सकते हैं. और क्योंकि 20 की जगह हमारे पास 4 clients होते हैं, तो that justifies our, you know, us being expensive, क्योंकि एजेंसी चलाने का सारा दारोमदार उन 4 क्लाइंट्स पर आ जाता है. हम कहते हैं कि सही है, हम 5वां क्लाइंट नहीं लेंगे, क्योंकि वी वॉन्ट टू फोकस ऑन द क्वालिटी दैट वी डिलीवर टू यू. एंड हम 5वां क्लाइंट नहीं लेंगे इस वजह से आप चारों को जो है वो यू नो अबव द मार्केट रेट स्पेंड करना पड़ेगा. तो एक ये चीज़ सीखी जो मैं आज तक इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ. मेरी एजेंसी की कुछ सक्सेसफुल ब्रांड्स अगर मैं बोलूँ तो विंटेज बेक शॉप कैफ़े एक खैवान सहार पे कैफ़े है, विच इज़ कोइंसिडेंटली रन बाय CBM गाय टू, और वो हमारी प्राइमरी ब्रांड है. अगर किसी को देखना है कि मैंने कच्ची गोलियों से क्या सीखा, तो विंटेज के पेज पे जाके देखे कि कॉन्टेंट से किस तरह खेला जाता है.
So that's pretty much it. हम जब शुरू हुए थे कच्ची गोलियां तो जाहिर है एंथुजियाज्म का कच्ची गोलियों के साथ मजेदार ये बात थी कि एट टाइम्स जब बिल्कुल काम नहीं होता था तो बिल्कुल काम नहीं होता था वेले घूम रहे होते थे तीन घंटे चार घंटे दिन में काम किया एंड दैट्स इट मूवी देखने जा रहे हैं वी हैड अ व्हाट डू कॉल इट अ फुटबॉल टेबल इन आवर ऑफिस फुटबॉल खेल रहे हैं बाहर निकल के फुटबॉल खेल रहे हैं लेकिन जब काम आ जाता था तो फिर नाइट शिफ्ट भी लगती थी स्ट्रेट 48 आवर्स मैंने आई रिमेंबर मैं रामेश के साथ बैठ के स्ट्रेट 48 आवर्स में एक कॉमिक बुक बनाई थी एंड तो ये होता है व्हेन यू आर रनिंग योर ओन थिंग ना तो ये बड़ा फैक्टर मैटर करता है कि आपको पता है कि आपको क्या अमाउंट ऑफ टाइम देना है तीन घंटे में काम खत्म हो गया तीन घंटे में काम खत्म करो और निकलो लेकिन अगर वो 30 घंटे रिक्वायर कर रहे हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आप 30 घंटे बैठ के काम करेंगे फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि kgehub.com हमने शेल्फ कर दिया था आइडिया क्योंकि वी इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इनटू इट एंड वी कुडंट रन इट प्रॉपर्ली तो रेवेन्यू वो रिस्क व्हाट यू कॉल इट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना अच्छा नहीं आ रहा था लेकिन वी हैव शेल्फ्ड द आइडिया सिंस इट्स बीन 1 ईयर दैट वी आर नॉट वर्किंग ऑन kgehub.com लेकिन अब उस एक साल में हमने अपने आप को स्टडी किया अपनी सारी वीकनेसेस देखी एस वो स्वॉट एनालिसिस किया अपने सारे और अब हम समझते हैं कि हम दोबारा kgehub को रीलॉन्च करने के लिए तैयार हैं तो फ्यूचर प्लान्स तो यही हैं कि सब कॉन्टिनेंट का एक 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 पोर्टल बनाना है जो कि जिस पे देसी कंटेंट हो कंटेंट दैट यू और मी कुड रिलेट टू यू नो एंड वी want to be the competition of BuzzFeed locally, at least in the subcontinent. गोलियाँ चलाते चलाते जाहिर है ups and downs भी आएंगे और कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है तो अगर मैं इस चीज़ पर तबसरा करूँ कि मैंने क्या खोया है तो हाँ we have actually lost chances to be in the mainstream MNC, FMCG business. अगर मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ तो भाई फना फना जो है वो यूनिलीवर में पता नहीं कोई बड़ा हो गया है एक साल में वो नेस्ले में कोई बहुत बड़े हो गए हैं और उनकी lifestyle और मैं अपनी lifestyle को देखता हूँ तो जाहिर है दे took another road, I took another road. The road that I took was less traveled. That has made all the difference. तो सिलसिला मजेदार है ट्रेड ऑफ्स जाहिर होते हैं आपको वर्किंग आवर्स आपके नहीं होते कोई 9 to 5 जॉब नहीं होती अगर आपको सुबह 5 बजे भी काम करना होगा तो आप काम कर रहे होते हैं बैठे हुए अपनी चीज़ होती है खुदा ना खास्ता अगर कुछ मसला हो जाता है कुछ नहीं चलती हैं चीज़ें तो ऑफकोर्स आप स्क्वायर वन पर आ जाते हैं अगर कच्ची गोलियाँ किक ऑफ नहीं होता मेरे लिए तो मैं तो नौकरी ढूंढ रहा होता ना आउट देयर और 30-40 हज़ार रुपये की नौकरी मुझे मैक्सिमम 30-40 हज़ार रुपये की मिलती कुछ बहुत अच्छी मिल गई तो 90 हज़ार या लाख रुपए की मिल जाती लेकिन देन व्हाट एल्स क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई वुडेंट हैपन पाकिस्तान का एक बड़ा डिलेमा मुझे ये लगता है कि क्योंकि छोटी मार्केट है हम तो यहाँ पर इंटरनेशनल ब्रांड्स भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार नहीं है जो चीज़ यूनिलीवर इंडोनेशिया में कर रहा है या इंडिया में कर रहा है या गल्फ रीजन में कर रहा है वो पाकिस्तान में नहीं करता तो एक ये बड़ा ड्रॉबैक होता है कि अगर मैं नौकरी कर रहा होता तो मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहा होता विद कच्ची गोलियाँ आई कैन एक्सपेरिमेंट वट एवर आई वॉन्ट टू हाउ एवर आई वॉन्ट टू अगेन टॉकिंग ऑफ द ट्रेड ऑफ्स मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा ट्रेड ऑफ्स थे क्योंकि इट वॉज अ गुड डील नॉनदलेस बिकॉज वी मेड मनी वी हैड फन एंड एट द पीक ऑफ कच्ची गोलियां वी लिव्ड लाइक रॉक स्टार्स हमारी क्रिएटिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए वैल्यूएबल है क्योंकि वी एक्चुअली डेयर टू वेंचर आउट ऑफ द नॉर्म्स ऑफ द बॉक्स इफ यू से सो और अगर हमारे पास क्रिएटिविटी ना हो हमारी तो हम तो कुछ भी नहीं है
एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स ये हैं कि आपकी फैमिली बड़ी सपोर्टिंग होनी चाहिए. अगर आप कुछ कर रहे हैं और आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती उसको और कहती है कि नहीं बेटा जाके नौकरी ढूंढो तो क्या करेंगे आप. और दूसरा बड़ा फैक्टर ये है कि रिस्क आप ले सकते हो. अगर आप रिस्क नहीं लेते तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल अबाउट रिस्क. एंड वॉट आई पर्सनली बिलीव इन अलॉट इज़ कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको ट्रैवलिंग बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप ट्रैवल करते हो तो आपको पता चलता है कि कौन सी दुनिया की कौन से हिस्से में किस तरह क्या काम किया जाता है, क्या काम होता है. एंड इट्स वेरी ईजी टू एक्चुअली यू नो, मैं किसी पहाड़ी इलाके में गया मुझे एक अच्छा आइडिया मिल गया, मैं लंदन गया मुझे एक अच्छा आइडिया मिल गया, मैंने उन दोनों आइडियाज़ को कंबाइन किया और एक तीसरा आइडिया मैंने कराची में आके इम्प्लीमेंट कर दिया. तो यू नो इट्स वेरी एसेंशियल फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू बी यू नो ऑफ द ट्रैवलिंग काइंड. पर्सनली एज एन एंटरप्रेन्योर तो इट्स ऑल अबाउट इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स. एक डेढ़ साल जब हम पैसे बिल्कुल नहीं बना रहे थे कच्ची गोलियों से, तो it was all about the inner motivation that kept us going. हम जाहिर है क्योंकि बच्चे थे उस ज़माने में, तो कोई ऐसी कोई मॉडल्स भी नहीं थे कि हमने फोरकास्ट किया हुआ हो कि हाँ अगर हम चार साल लगाएंगे तो हमें 50 मिलियन की फंडिंग मिल जाएगी. उस ज़माने में ये वेंचर कैपिटलिज्म भी इतना कोई बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में उरूजों में नहीं था. तो यार इट्स जस्ट डिटर्मिनेशन एंड स्टूपिडिटी आई गेस. You need to be stupid enough to actually venture out. Entrepreneur उन लोगों को तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए जो persistent नहीं है. आज एक idea पे काम कर रहे हैं और कल उनके पास नया idea आ जाता है वो उसको dump कर देते हैं, तो no, big no. अगर आप persistent नहीं है तो आप नौकरी करने का टेंशन नहीं है. बाकी entrepreneur उनको नहीं बनना चाहिए जो risk नहीं ले पाते या डरते बहुत हैं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क. और एक और चीज़, अगर आप अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि भाई बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, अगर आप किसी आपने एक कंपनी बनाई और आप उसके खुद सीईओ बन गए, आपने कार्ड पे लिखवा लिया कि हाँ भाई मैं सीईओ हूँ, तो अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट अज्यूमिंग कि इफ़ आई एम द सीईओ तो आई मस्ट नो अ लॉट. जबकि आप जो होते हैं एक छोटी सी कंपनी, आपने खुद ही कंपनी बनाई होती है, 400 रुपए के आपने कार्ड छपवाए हुए होते हैं, उस पर लिखा हुआ होता है सीईओ. तो एक ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि अगर मैंने कुछ शुरू कर दिया है तो आई एम द बॉस और मैं सब कुछ सीख गया. क्योंकि इट्स अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल ऑफ गेटिंग नॉलेज और नॉलेज ही सब कुछ आपको बनाती है. तो अगर आपके अंदर ये बॉसीनेस है कि सही है आई एम द सीईओ नाउ एंड चाहे आपके लिए दो लोग काम कर रहे हों और बस आप सीईओ बन के रहें कि नहीं भाई मैं तो छोटा काम तो मैं करूँगा ही नहीं, मैं तो बस मेरे पास चेक्स आएंगे और मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आएंगे और मैं बड़ी सी एक अपनी टेबल पे बैठूंगा और साइन करूँगा, तो नहीं. यू इफ इट्स योर स्टार्टअप यू नीड टू गेट योर हैंड्स डर्टी, और इफ यू आरंट गेटिंग योर हैंड्स डर्टी योर स्टार्टअप इज नॉट गोइंग एनीवेयर.